वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और 7 नंबर पार्ट का लेक्चर है ये। हाइब्रिडाइजेशन बहुत डिटेल में समझाया हमने, एक और दो टॉपिक बाकी है वो भी कवर कर रहे हैं आज हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर और SP3 T2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, MCQ के बेस पर कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन टॉपिक कैसे समझेंगे वो। तो SP3 T2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा, कितने S ऑर्बिटल, कितने P ऑर्बिटल और कितने D ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मतलब हाइब्रिड होंगे। तो चलो S ऑर्बिटल कितने मिक्स होंगे, यहाँ पर 1 S ऑर्बिटल प्लस 3 D ऑर्बिटल्स एंड 2 D ऑर्बिटल्स मिक्स। चलो एक बार MCQ से मैं पूछ लेता हूँ, मैं D के अंदर टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो D में कौन से दो ऑर्बिटल्स यहाँ पर मिक्स होंगे। अगर पहले मिक्स हो रहा है तो कौन सा मिक्स होता है, Z2। दूसरा कौन सा मिक्स होगा, मतलब एक ऑर्बिटल तो कौन सा होगा, दो डी ऑर्बिटल है MCQ डायरेक्ट। ओके, तो दो ऑर्बिटल है D के, तो उसमें से एक तो D Z2 ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिड होगा, तो D X2 - Y2 ये वाला ऑर्बिटल। मतलब जो एक्सिस के ऊपर होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल, जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ना वो ऑर्बिटल आसानी से हाइब्रिड हो जाते हैं कंपेयर टू दूसरे जो है वो। तो ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है जो डायरेक्ट MCQ में पूछा जाता है, टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो टोटल कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पर, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। टोटल कितने मिक्स हुए, 6। जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन से ऑर्बिटल्स ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, नो। नए ऑर्बिटल्स कितने जनरेट होंगे, जितने इन्वॉल्व हुए उतने ही जनरेट होंगे। तो नए कितने ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे यहाँ पर, टोटल 6। लेकिन कैसे ऑर्बिटल जनरेट होंगे, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी। अब जो नए 6 ऑर्बिटल्स जनरेट हुए वो सबकी एनर्जी और शेप सिमिलर होगा। पहले एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है, स्फेरिकल, पी अलग अलग तीन एक्सिस पर डंबे और डी का भी शेप अलग है। तीनों की पहले एनर्जी भी अलग अलग, इक्विवेलेंट नहीं थे तीनों, पहले इक्विवेलेंट नहीं थे समझना हो। अब मिक्स जब हो गए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ये जो न्यू 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है सबकी एनर्जी सेम और शेप भी सेम रहेगा। ओके, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एक बड़ा और एक छोटा, एक लार्जर लोब और एक स्मॉल लोब होगा। ओके, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप सेम ही होता है, क्लियर है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होगा, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल्स आर कंबाइन एंड फॉर्म न्यू 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सच टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कौन शो करता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं SF6, इसी से रिलेटेड समझने की ट्राई कर रहे हैं SF6। चलो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। सल्फर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2f, 2p6, 3s2, 3p4 एंड 3d, डी ऑर्बिटल है रखे। ओके, वहाँ पर सबसे भी इंडिकेट कर लेते हैं। चलो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब समझना कितने फ्लोरीन के साथ इसे कंबाइन होना है, 6। मतलब 6 अनपेयर ऑर्बिटल चाहिए उसे। अभी तो कितने अनपेयर ऑर्बिटल है, 2 चाहिए, कितने, 6 ऑर्बिटल।
तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होकर यहाँ जाएगा, तब भी कितने ऑर्बिटल होंगे, फोर। मतलब क्या होगा, एक और एक्साइटेड स्टेट होगा, तो कौन से एक्साइटेड स्टेट के अंदर SF6 बनेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं सल्फर का, ओके, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा उस वक्त, अब डायरेक्ट यही लिख लेता हूं मैं, आउटर मोस्ट 3s1 pp3 pp3 एंड 3d। इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्सपांशन ऑफ वैलेंस, वैलेंस यहां पर एक्सपांड हो रही है, ऑक्टेट का रूल्स भी फॉलो नहीं करेगा, ओके, और वैकेंट भी ऑर्बिटल अवेलेबल है, कोवेलेंस भी पढ़ी हुई है हमने, उसी के अंदर ये एग्जांपल भी पढ़ा था हमने। चलो यहाँ पर अब ऑर्बिटल इंडिकेट कर दो, यहाँ पर 6 अनपेयर ऑर्बिटल, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल है अपने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि डायरेक्ट फ्लोरीन एस के साथ पी के साथ एंड डी के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि शेप अलग अलग है सबका, सभी इक्विवेलेंट नहीं है, तीनों ऑर्बिटल इक्विवेलेंट नहीं है, समझना। तो इसलिए क्या करेंगे, ये सभी ऑर्बिटल सही से ओवरलैपिंग करने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, 6, और 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। और कौन से वाला हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, यहाँ पर sp3 एंड d2, sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पर। और कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 6, क्लियर। अब जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, उनका अरेंजमेंट समझना होता है कि वो ऑर्बिटल्स अरेंज कैसे होंगे। तो चलो इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, सल्फर से रिलेटेड। तो सल्फर है ये, तो फर्स्ट जो 4 ऑर्बिटल्स है ना, वो इक्वेटोरियल फॉर्म के अंदर अरेंज होंगे इस तरह, क्लियर। स्मॉलर लोब है लेकिन इंडिकेट नहीं कर रहा है यहाँ पर, ओके, सब में स्मॉल लोब तो होगा, ये लार्ज लोब बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ऊपर वाला स्मॉल लोब तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन उसे बताने की जरूरत नहीं। तो 4 ऑर्बिटल्स आ गए sp3d2 के, ये ऑर्बिटल कौन सा, sp3d2। अब देखो ये सबके बीच में एंगल कितना होगा, इक्वेटोरियल पर एंगल कितना है, 90, सब में एंगल कितना होगा, 90। इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हुए यहाँ पर, अभी 4 है, दो और ऑर्बिटल बचे, 6 है टोटल। तो दो ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे, अब एक ये पोजीशन पर और एक ये पोजीशन पर है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल। तो दो एक्सियल बॉन्ड होंगे यहाँ पर। अब एंगल देखो कितना होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल का भी एंगल तो 90 होगा, मतलब यहाँ पर सभी बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90। आगे जो हमने sp3d पढ़ा था उसमें अलग था, एक्सियल के बीच में एंगल कितना था, 120, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना था, 90। तो ये चीज समझना, यहाँ पर सब में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है MCQ के लिए। चलो नेक्स्ट, उसके बाद ऑन अटैच हो रहा है यहाँ पर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल इसके साथ हाइब्रिड होगा, पी ऑर्बिटल। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2p में लास्ट में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पर इंडिकेट क्या करेंगे अब, फ्लोरीन। इसका शेप कैसा होगा फ्लोरीन का, याद रखना डंबेल शेप में होगा, लेकिन समझाने के लिए सिंपल सा बता देता हूँ मैं तुम्हें, वरना शेप तो ओरिजिनल यही है, ओके। तो ये फ्लोरीन है, अब डायरेक्ट बता देता हूँ, ओके, 6 फ्लोरीन आ गई, वरना ओरिजिनल शेप तो यही है, ओके, याद रखना। सिर्फ आसानी से समझाने के लिए मैं यहाँ पर फ्लोरीन राउंड शेप में बता रहा हूँ, वरना ये वाला ओरिजिनल डायग्राम। यहाँ पर MCQ के लिए समझना, आप पहले ज्योमेट्री देख लेते हैं, चलो क्लियर। अब यहाँ पर ये ऑर्बिटल के अंदर, मतलब ये वाला ले लेते हैं ना, यही हुआ ये, यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है वो तो कौन सा ओवरलैप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और दोनों कैसे होंगे, ओपोजिट से ओपोजाइट स्पिन पर होंगे, याद रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। कौन सी ऑर्बिटल के बीच में, तो सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है, sp3d2, ये ऑर्बिटल कौन सा है, sp3d2 ऑर्बिटल है सल्फर का, और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, उसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड। दूसरा एंगल कितना है, सब में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। शेप कौन सा बन रहा है यहाँ पर, ऑक्टा हेड्रल, या तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल भी कह सकते। तो क्लियर, यही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी लॉन पेयर काउंट नहीं किया, जैसे ही लॉन पेयर काउंट करेंगे उसका शेप चेंज होता है, जैसे अंदर कोई एग्जांपल आएगा जिसमें लॉन पेयर आएगी तो उस वक्त उसका शेप पूरा चेंज होगा। तो ये था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले डी ऑर्बिटल कौन से इंक्लूड होते हैं, तो ये तो सेकेंड इंपॉर्टेंट MCQ। SF6 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो तुम डायरेक्ट, अपने पास मेथड है डिटरमिनेशन करने की, कैलकुलेशन वाली मेथड। थर्ड नंबर पर यहाँ पर कितने एक्सियल बॉन्ड है, कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और बॉन्ड एंगल कितना है वहाँ पर, तो थर्ड MCQ है। और चौथा उसका शेप भी याद रखो। तो ये 4 MCQ खास, अगर MCQ के लिए डायरेक्ट पढ़ते तो इस तरह लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।